हाय दर्शकों, मैं ओहिलेशर हूँ। मैस्ट्रिक्स विद एनिमेशन के लिए आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणित की एक चाल दिखाना चाहता हूँ जिसे आप अपने जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और अपनी कमेंट्स को व्यक्त करें। ठीक है, चले पाठ शुरू करते हैं। किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना कुछ ही सेकंड में। आइए दो अंकों की एक संख्या को 11 से गुणा करते हैं। पहला कदम है उत्तर के पहले और अंतिम अंकों को पता लगाना। मल्टीप्लिकेंड के पहले और आखिरी अंकों को लेकर उन्हें उत्तर के पहले और अंतिम अंकों के रूप में लिखें। स्टेप टू है उत्तर का मध्य अंकों को प्राप्त करना। उत्तर के मध्य अंकों को प्राप्त करने के लिए इन दोनों अंकों को एक साथ जोड़ दें और इस जोड़ा गया संख्या को उत्तर के मध्य अंक का रूप में लिखे। बस इतना ही, यही अंतिम उत्तर है। भले ही आप पारंपरिक विधि का अनुसार इस 72 को 11 से गुणा करते हैं तो भी आपको यही उत्तर मिलेगा। चले गुणा करते हैं एक और दो अंकों की संख्या को, जिसमें दो अंकों को जोड़ते समय एक शेष उत्पन्न होता है। पहला अंक 9 को लेकर उसको उत्तर के पहले अंक का रूप में रखें, फिर अंतिम अंक 8 को लेकर इसे उत्तर के अंतिम अंक रूप में नीचे लिखें। इसके बाद इन दोनों अंकों को एक साथ जोड़ दें, आपको 17 मिलेगा। इस 17 में से अंक 7 को इन दोनों अंकों के बीच में रखिए और इस शेष अंक 1 को उत्तर का पहला अंक 9 के साथ जोड़कर इसे 10 कर दे। बस इतना ही, यही अंतिम उत्तर है। भले ही आप पारंपरिक विधि का अनुसार इस संख्या 98 को 11 से गुणा करते हैं तो भी आपको यही उत्तर मिलेगा। आइए हम एक बड़ी संख्या को 11 से गुणा करते हैं। इन पहले अंक 1 और आखिरी अंक 5 को उत्तर के पहले और अंतिम अंक के रूप में लिखें। इसके बाद इन दो अंक 5 और 4 को एक साथ जोड़ दें, आपको 9 मिलेगा। इस 9 को इस 5 के बगल में रखें। इसके बाद इन दो अंक 4 और 3 को एक साथ जोड़ दें, आपको 7 मिलेगा। इस 7 को इस 9 के बगल में रखें। इसके बाद इन दो अंक 3 और 2 को एक साथ जोड़ दें, आपको 5 मिलेगा। इस 5 को इस 7 के बगल में रखें। अंत में इन दो अंक 2 और 1 को एक साथ जोड़ दें, आपको 3 मिलेगा। इस 3 को इस 5 के बगल में रखें। बस इतना ही, अंतिम उत्तर मिल गया। अगर आप पारंपरिक विधि के अनुसार इस संख्या को 11 से गुणा करते हैं तो भी आपको यही उत्तर मिलेगा। आइए हम एक और बड़ी संख्या को 11 से गुणा करते हैं जिसमें अंकिया जोड़ते समय एक शेष उत्पन्न होती है। इन पहले अंक 5 और आखिरी अंक 9 को उत्तर के पहले और अंतिम अंक का रूप में लिखे। इसके बाद इन दो अंक 9 और 8 को एक साथ जोड़ दें, आपको 17 मिलेगा। इस 17 में से अंक 7 को 9 के बगल में रखें और इस शेष 1 को ऊपर ले जाएं। इसके बाद इन दो अंक 8 और 7 को एक साथ जोड़ दें, आपको 15 मिलेगा। अब इस 15 के साथ इस शेष 1 को भी जोड़ दें, आपको 16 मिलेगा। इस 16 में से अंक 6 को 7 के बगल में रखें और इस शेष 1 को ऊपर ले जाएं। इसके बाद इन दो अंक 7 और 6 को एक साथ जोड़ दें, आपको 13 मिलेगा। अब इस 13 के साथ इस शेष 1 को भी जोड़ दें, आपको 14 मिलेगा। इस 14 में से अंक 4 को 6 के बगल में रखें और इस शेष 1 को ऊपर ले जाएं। अंत में इन दो अंक 6 और 5 को एक साथ जोड़ दें, आपको 11 मिलेगा। अब इस 11 के साथ इस शेष 1 को भी जोड़ दें, आपको 12 मिलेगा। इस 12 में से अंक 2 को 4 के बगल में रखें और इस अंक 1 को उत्तर के पहले अंक 5 को जोड़कर इसे 6 का रूप में बदल दे। बस इतना ही,
यही अंतिम उत्तर है। अगर आप पारंपरिक विधि का अनुसार इस संख्या को 11 से गुणा करते हैं तो भी आपको यही उत्तर मिलेगा। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और यदि आपको इस वीडियो बहुत आसान लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे आगामी वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।